मैंने फाइनली ले लिया है गाइस, बाद में भैसाल निकलने से खत्म। डुप्लीकेट अगर वाला अगर दिया तो बाद में देखो ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी आप लोगों का। अर्ली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, और यहाँ पे देख सकते हो बिटूल, हेलो तो बोलो। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजा होने वाला है, क्योंकि आज मेरा ड्रेस देख सकते हो बहुत ही एक अजीब तरीका से मैं पहना हुआ हूँ ड्रेस, जो मैं पहले ही पहन चुका हूँ। और गाइस अभी हम लोग जाने वाला है मार्केट पे, एक्चुअल में हम लोग का सजर गुम हो चुका है। मेरा सजर था, मेरा सजर गुम हो गया मुंबई पे, और बितुल का सजर पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया। हम दोनों का टाइप सी सजर है ही नहीं, तो एक पास पड़ोसी का भैया से टाइप सी सजर मांगा। देखो मोबाइल चार्ज लगाने के लिए एक टाइप सी सजर मांगा एक पास पड़ोसी का भैया के से, तो उसके बाद पास पड़ोसी का भैया से भी कितना नो मांगते रहेंगे। इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट पे कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए, खरीदेंगे बस। अभी चलते हैं यहाँ से, कपड़ा वगैरह पैक कर लेते हैं गाइस और पहन लेते हैं। सॉरी सो गाइस, मार्केट ना जाने से पहले ब्रश मार लेते हैं। बिल्कुल भी मैंने ब्रश मारा नहीं, मेरा दांत देखने का हालत नहीं है, पूरा लाल 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 लाल, पता नहीं क्या है, मेरा दांत सफेद क्यों नहीं होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जितना भी ब्रश मारो लाल 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 लाल। और ये टेबल पे अभी भाभी नहा के गया है, पूरा गंदा है, सबके सब साफ करना पड़ेगा, कभी एक दिन साफ करना पड़ेगा, टाइम नहीं मिल रहा है टेबल साफ करने के लिए, इसलिए यहाँ पे पूरा कचरा 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 पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ गया ये वाला, मिल चुका है। बिटोल तुम भी ब्रश नहीं किया, थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा ब्रश कर लो, आओ। फाइनली अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, और बितुल अपना बाइक को सफा कर रहे हैं, बितुल का बाइक से जाएंगे और वहाँ पे सामान वगैरह खरीदेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, और मैंने ऊपर से नीचे तक पैक कर लिया है क्योंकि इतना धूप है, आप लोग देख सकते हो एकदम पूरा टिका पड़ा धूप है, एंड सेकेंड बहुत ही ज़्यादा धूली भी है, ठंडा सीजन है थोड़ा बहुत, इसलिए तो ये हम लोग का हीरो आ चुका है। बाइक से जाने का मजा कुछ अलग ही है, बहुत ही ज़रा मज़ा लग रहा है और बहुत ही ज़रा फास्ट फास्ट लग रहा है। और अभी हम लोग कुछ ही देर के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं मार्केट पे, हम लोग जा रहे हैं ऑंडा वे पे है, मेन रोड तक निकला नहीं है। दुकान पे पहुंच चुका हूं, और यहां पे फाइनली हम लोग अपना जो सामान है उसको ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि मिल जाए, है कि नहीं मित्र। और यहां पे मैं सजर ढूंढते ढूंढते आ गया, देखो मुझे नहीं लगता जैसा, और मेरा मोबाइल ओप्पो है, ओप्पो वाला मतलब ओरिजिनल वाला मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा, लेकिन ये अभी तो काम चलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कितना घंटा से कितना घंटा तक चलता है ये? चलेगा चलेगा, पूरा दौड़ेगा। मोबाइल नहीं लाया, मोबाइल सुस्ता है, इसलिए मोबाइल साथ लगा के आ गया। मलिक थैंक यू, चलो बेटा। ऑनलाइन पैसा कमाना असली है या नकली है आप लोगों को मैं निश्चित रूप से बताता हूँ। रियल में बता दो आप लोगों को रमी वेल का बारे में, जो कि आप लोगों को 500 से लेकर 2000 रुपए तक कमा के दे सकता है, और हाल ही में इस ऐप को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और इससे मुझे काफी अच्छा इनकम हो रहा है। तो इस वीडियो का माध्यम से आप मेरी जीत की चाल देखेंगे, और मैं आपको जो तरीका बताएंगे उसको पालन करते रहना है और आप हमेशा जीतते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऐप को ओपन कर लिया है, और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे फोन नंबर को बाउंड कर लेते हैं तो यहाँ पे 41 रुपीज का साइन अप बोनस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे प्ले बटन पे मैं क्लिक करके रिचार्ज कर लेता हूँ 3000 रुपीज का, और आपको मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि 1000 का रिचार्ज करें कम से कम, कि आपकी विनिंग की सांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे 100 रुपीज का बेट कर लेता हूँ, और देख सकते हैं मैं यहाँ पे 30 रुपीज विन कर चुका हूँ। दोस्तों सेकंड टाइम पे मैं 200 का बेट करूंगा, देख सकते हैं मैंने 200 का यहाँ पे बेट कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैं फिर विन कर चुका हूँ 60 रुपीज, और थर्ड टाइम पे मैं यहाँ पे 300 का बेट कर लिया हूँ, और दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं फिर से जीत चुका हूँ 90 रुपीज। और आप लोगों को फिली कंडीशन 1.30 रखना है, जिससे आपकी विनिंग के साथ काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद 400 रुपीज का मैंने फिर से बेट कर दिया है, तो फिर से मैं जीत चुका हूँ 120 रुपीज। तो अगर आप हारते हो तो आप लोगों का अमाउंट डबल कर देना है, यहाँ पे मैं 500 रुपीज का बेट कर देता हूँ, अगेन मैं जीत चुका हूँ 150 रुपीज, जो कि काफी अच्छा ये ऐप है। ऑलमोस्ट मैंने 10 मिनट से 500 रुपीज जीत लिया है, और इस पैसे को मैं बहुत ही इजीली विदो भी। बितुल का बाइक है वहाँ में, और मैंने उसको लोकेशन दिया है इस दुकान का, लेकिन पता नहीं आदमी गुम हो गया, आदमी पता नहीं कहाँ गया। ये है मार्केट, और फाइनली गाइस बितुल को मिल चुका है, वो आदमी बैठा हुआ है वहाँ पे,
और इधर उधर मोबाइल तो स्विच ऑफ है मेरा, जो मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ वो वाला मोबाइल स्विच ऑफ है, इसलिए मोबाइल लाया नहीं है। और आईफोन पे कॉल किया इन्होंने पर्सनल मोबाइल से, पर्सनल नंबर से, तो कॉल करके ये फाइनली भी आ रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे अलग जगह पे, कुछ सामान मुझे लेना है और क्या लेना है आप लोगों को मैं बताऊंगा। यहाँ पे तो नकली नकली वगैरह मिलता है। चलो दोस्तों, मेरा मतलब एक मौसी का शादी है, शादी तो पहले हो चुका है लेकिन उसका अभी पार्टी होगा, तो पार्टी के लिए कुछ सामान गिफ्ट देना है मुझे, तो इसीलिए मैं एक कास का दुकान पे आया हूँ। बाहर से डेकोरेशन तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई होप अंदर में सामान मिल जाए। बेतूर यहाँ पे पहले से उपस्थित है। शादी में कुछ ना कुछ उपहार तो देना ही पड़ता है, लेकिन हम लोग का ड्यूटी ट्राइब में मतलब जितना तक मतलब उपहार दे सकता है, मतलब ऐसा कांस का ही देता है, तो ऐसा कांस का ही मतलब देता है, तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। और कल को है शादी, तो आज ही मतलब प्रेजेंट खरीद के लेके चलता हूँ घर पे, क्योंकि मैं जब मतलब मौसी है मेरा, यानी कि मेरा माँ का चाचा जी का बेटी, बड़ा बेटी, तो उसके लिए मेलोनी बिया बोलते हैं हम लोग, तो उसके लिए ही लेने के लिए आया हूँ। आई होप मिल जाएगा उनका ही, पूरा ओरिजिनल वाला दो, पूरा ओरिजिनल है ना, बात में पूरा बात तक मतलब पूरा आगर लोग नाम थका के दीबी, भांगा शिंगा हो नहीं कि पूरा नया है ना, गारंटी फरंटी है कि नहीं, ओरिजिनल है निकी, और बेलेक बेलेक डिजाइनर तो देखा भी सुन। अच्छा कौर आनी है हाँ, ओके তাতে বনায় নেকি, এইটো ভাত খাবৰ কাৰণে নেকি, অঁ এনেকুৱাই অলপমান, এইটো এইটো অলপমান ডাঙৰটো আছে নেকি, ডাঙৰটো অলপমান ইছে ভি বড়া থোড়া সা। ওয়াও, তো ইয়াৰ পৰা দেখ সকতে হো বহুত হি এক এক বহুত হি জৰা বড়া বান কা হি বলতে হে হাম লোগ ইছে, ইয়ে পুৰা অৰিজিনেল ৱালা হে, অৰ কিতনা কিলো কা হোগা, ইয়ে 2 কেজি জেসা হোগা, 2 কেজি জেসা হোগা, অৰ পুৰা অৰিজিনেল ৱালা হে না, একদম গ্যারান্টি, ডুপ্লিকেট ৱালা মাটো লেকিন না না না। क्योंकि ये सब बहुत ही कॉस्टली है, और कॉस्टली के साथ साथ देखो दाम जैसा माल भी ऐसा होना चाहिए। तो शादी में तो अलग अलग उपहार दे सकता है, लेकिन मैंने इसको क्यों चुना, क्योंकि जब तक मेरा मौसा मौसी जब तक बुरा बुरी ना हो तब तक इसमें खाना खा पाएगा, और उसका बेटा बेटी भी इन फ्यूचर खाना खा पाएगा पूरा बुरा होने तक, इसलिए निशानी के लिए मैं पूरा ये ओरिजिनल बांध कहीं को मैं ले जा रहा हूँ। ये कॉस्टली है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉस्टली वाला सामान ही देना चाहिए, मतलब निस्वार्थ भावना लेके, क्योंकि ये मेरा मौसी का शादी है, मेरा माँ का चाचा का बेटी का शादी है, जो एक ही बेटी है मोनिशा माही, तो वो टेंगापानी गांव में शादी हुआ है, तो इसको ही ले लेते हैं। गाइस कैसा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर ये अगर नकली निकलेगा तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बोल रहे हैं कि बड़ा ओरिजिनल वाला माल है, मैंने बोला ओरिजिनल वाला माल दिखाओ, ओरिजिनल वाला माल, तो ये ओरिजिनल वाला ये दिखाया है। चलो गाइस, मैंने फाइनली ले लिया है गाइस, बहुत इतना कॉस्टली लिया है, लेकिन दाम नहीं बताऊंगा, दाम बताना अच्छा नहीं है गाइस, लेकिन ओरिजिनल बोला ये लोग, ओरिजिनल बोला है बोल के लिया हूँ, ओरिजिनल है असली कल, बाद में भेजाल निकलने से खत्म, ठीक है चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आ करके थका थका, बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलो बिटुल चलो चलते हैं, अभी सामान ले लिया है, अभी चलते हैं अपना घर पे। और बिटुल कुछ लेना है आपको, और मुझे मुझे कुछ मतलब कॉस्मेटिक का मुझे सामान चाहिए, यानी कि शैम्पू वगैरह, क्योंकि मेरा बाल बहुत ही ज्यादा लंबा है, मुझे शैम्पू वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शैम्पू पूरा खत्म हो चुका है, मार्केट करने के लिए आया हूँ, इसलिए कर लेता हूँ, नहीं तो हम भूल जाते हैं, मैं तो भुड़क कर हूँ, पता नहीं क्या बीमारी लॉक खा गया है, पूरा भूल ही जाता हूँ, सब घर पे जाने से याद आता है कि ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, तो अभी चलते हैं कॉस्मेटिक का दुकान पे शैम्पू खरीदने के लिए गाइस। चलो एक कॉस्मेटिक का दुकान, जो मुझे शैम्पू चाहिए। दादाजी कैसे हो, दादाजी बोले दादा ये भी मुझे भीतर करना क्या, शैम्पू दे दो, शैम्पू शैम्पू शैम्पू, जो मेरा बाल हॉट एंड सेक्सी हो जाए। तो मुझे कुछ कुछ रबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे रबर देख, ये भैया भी वीडियो कर रहा है, ये कितना का है, हम तो इतना आपका घर पे आते रहते हैं, आप तो कभी भी मुझे वीडियो करते नहीं, फोटो भी नहीं मारते, आज क्यों इतना फोटो मारने के लिए दिल कर रहा है, आज करेंगे, उर्फी से प्यार हो गया क्या, बिना उर्फी का वीडियो देख के, कितना का है ये भैया, ये ले लीजिए मिला के दे देगा, कॉम्पिटी दो, मैं आपका डेली कस्टमर हूँ, पांच थो में दस रुपया,
यानी कि एक में 2 रुपया, तो काउंट करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76,
हूँ और मुझे, हाँ चलो अभी चलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने खाना वगैरह कुछ भी खाया नहीं है, तो इसलिए ये आंटी के पास आया हूँ खाना खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, अभी घर पे जाकर क्या रिश्ता पड़ना है, यहीं पे खा के चलते हैं। बाहर से ना भात भात ऐसे ना, चलो जल्दी पूछो क्या मांगसो है। बॉयलर चिकन, अच्छा ओके ओके ओके। यहाँ पे बहुत ही मज़ा से बन रहा है चिकन, बहुत ही निदिन क्लीन से यहाँ पे बना था, इसलिए मैं यहाँ पे हर वक्त मतलब कभी कभी मतलब बाहर के खाने के लिए दिल करने से मैं यहीं पे आ जाता हूँ। बिजुल आओ यहाँ पे खाने हैं, खाते हैं खाना बहुत ही मज़ा से गाइस यहाँ पे बैठते हैं। पहले खाना आ चुका है बहुत ही मज़ा से, इसका अंदर में है खाना और ये है कुछ बॉयल पत्ता और ये है दाल और भी कुछ कुछ आने वाला है। चिकन ऑर्डर किया हूँ, आने वाला है बहुत ही मज़ा से। बिल्कुल खाओ, पानी का बोतल ला दो, पानी का बोतल। यहाँ पे फाइनल देखो गाइस, यहाँ पे जो भी मिलता है मतलब पूरा फ्रेशली मिलता है खाने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद लगता है इस होटल पे आने के लिए। और मेरा भैया लोग भी यहीं पे आकर खाते हैं, तो चलो खाते हैं। और ये है चटनी, बिल्कुल दबाओ। और ये आती जरा पैसा भी नहीं लेता है, बहुत कम लेता है मुझसे, इसलिए अच्छा लगता है, बार्गेनिंग भी कर देता है। चलो खाते हैं अभी खाना। फाइनली पहुंच गया यहाँ पे है प्रेजेंट बिरयानी, बान का ही। और दोस्तों घर से आके अभी यहाँ पे हूँ बितुल का गर्लफ्रेंड का घर में, ऐसे घर पे बैठे बैठे बोरिंग क्योंकि कल को शादी है और आज ऐसे ही। तो ये है बितुल का साली, हाय, काफी ज्यादा शर्म करता है। और यह है बिटुल और उस वो है उसका ये गर्लफ्रेंड उस तरफ, हाय हाय, पूरा लॉन्ग पैंट पहना हुआ है। आप लोगों को मैं पास में दिखाता हूँ बितुल का गर्लफ्रेंड को, जल्दी इधर आओ, पास में आ जाओ, आओ। ये है बितुल का डार्लिंग और वो है बितुल का सासुबुरी, गर्मी के कारण इधर उधर बिखरा हुआ है। और कुछ बोलो प्रियंका, पानी पी लेते, जो भी बोलो। बितुल तो डे बाय डे हैंडसम होता जा रहा है, क्या बोलना चाहोगे इसके लिए? ना धूप में घूमते घूमते पूरा काला हो चुका हूं मैं, काले तो क्या है, दिल वाले है ना। और तुम भी बोलो कुछ, ए हीरोइन हीरोइन। सो यहाँ पे देखो ये है बेर, एकदम बहुत ही ज़रा टेस्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जीभ पूरा मुँह पूरा कत्ता हो गया इसको खाने का, बड़ा एकदम टेंगा 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 हो गया, तो बहुत ही ज़रा स्वादिष्ट स्वादिष्ट बीयर। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़रा अच्छा लगा। कल को शादी खाने के लिए आप लोग मत भूलिएगा, मेरा मम्मी का चाचा जी का बेटी का शादी है मनीषा माही का, आप लोग वीडियो देखते रहिए, कल को शादी खाने के लिए जरूर आ जाएगा 2 बजे में, मैं सिर्फ 2 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ गैस। और बाय बाय बोलो, ए हीरोइन मितुल, बाय बाय बोलो और बाय बाय सभी दोस्तों को।